हेलो गाइस, मेरा नाम सुनील एस्कर। मैं लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए फिर से तीन फोटोग्राफी एडिटिंग के लिए वीडियो, जिसमें मैं आपको फोटो की एडिटिंग के बारे में बताऊंगा। तो चलो चल के देखो आप इस फोटो की एडिटिंग। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इस फोटो को मैंने ले लिया, इस फोटो को मैं दिखा रहा हूँ जैसे कि हमने शूट किया है। शूट करने वाला फोटो ये हमारा। तो शूट करने के बाद इस फोटो को ऑलरेडी हमको कट करना था, तो मैं ऑलरेडी इस फोटो को कट कर चुका हूँ। जैसे कि पिक कार्ड में आपको दिखा देता हूँ, ये मेरा फोटो कट हो चुका है देख सकते हो। और ये रहा वो PNG जिसमें हमको ऐड करना, मतलब बैठने वाला पोज है, मतलब इस बाइक पे। अब देखते हैं हम कैसे करते हैं। तो हम इसको यहाँ से शेयर कर देते हैं पिक कार्ड में। रिकॉर्ड में शेयर करने के बाद आप जाएंगे ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद सबसे पहले लेंगे हम इस PNG को। इस PNG को ऐड करेंगे, इधर हम सेट करेंगे। अब यहाँ से कर देंगे अब टिक। टेम जाएंगे टूल्स में। टूल्स में जाने के बाद जाएंगे क्लोन। क्लोन जाने के बाद जैसे कि हमारे बाल दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, कितना अजीब दिखाई दे रहे हैं, तो हम इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ऐसे मोज करेंगे तो ये पूरा अच्छे से हो जाए। देख सकते हैं मैंने कैसे किया, वैसे आप भी कर सकते हैं। बस थोड़ा सा यहाँ क्लोन एक सेट एंड यहाँ रख देंगे। फोटो जब हम बैक करेंगे तो कुछ पता नहीं चलेगा जैसे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। मतलब बिना किसी और टूल का यूज करके आप क्लोन की मदद से देखो बाल कट बड़े कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ से देखने का कुछ पता नहीं चल रहा कि फोटो में मैंने बाल में कुछ किया है। मैंने नज़दीक करने पर देखो दिखाई देता है थोड़ा थोड़ा, तो हम ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे टिक। अब जाएंगे टूल्स में। टूल्स में जाने के बाद जाएंगे अब हम एडजस्ट में। आपको पता है फेस पे हम ब्राइट, फेस को ब्राइट करेंगे तो इसको शेडो का अमाउंट बढ़ाएंगे। यहाँ रेजर में जाएंगे, ब्राइट कर जाएंगे और फेस फेस पे करेंगे फोटो को अच्छे से। डन कर देंगे। अब जाएंगे फिर से टूल में। फेस पे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा ब्राइट की जरूरत है। देंगे टिक। टिक करने के बाद आप जाएंगे ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाकर मैं अपना लोगो लेके आ जाता हूँ। फोटो थोड़ी अच्छी नहीं क्लिक हो पाई, उसकी वजह से थोड़ा सा फेस पे कुछ अजीब जैसा दिखाई दे रहा है, वाइट वाइट। थोड़ा मौसम खराब था उस टाइम, इसलिए टिक करने के बाद इफेक्ट्स में जाएंगे।
हम जाएंगे शार्पन, यहाँ से कर देंगे टिक। टिक करने के बाद हम जाएंगे ड्रो टूल, ड्रो टूल पे क्लिक करेंगे, सेव इमेज। जाएंगे गैलरी, गैलरी में जाने के बाद हम जाएंगे पिक आर्ट एंड पहली फ़ोटो। पहली फ़ोटो को शेयर करेंगे हम लाइट रूम में। ये रही फोटो, अभी हम इसमें एडिटिंग करेंगे, थोड़ा सा एक्सपोज़र को बढ़ाएंगे। शैडो शैडो कुछ नहीं करेंगे, माइनस ए थोड़ा शैडो कम गया, 0.21 ही। कलर्स में जाएंगे, मिक्स में जाएंगे, ग्रीन को कम करते हैं, देखते हैं कम करने के बाद क्या जैसे दिखाया जाता है हमारा फोटो। सैचुरेशन सैचुरेशन कम करने के देंगे, ब्लू को बढ़ा देंगे, कम कर देंगे, ग्रीन को बढ़ाते हैं, इसको रुक बढ़ देंगे, येलो को बढ़ा देंगे, डन कर देंगे। टेम्परेचर को -5 कर देंगे। डिटेल्स में जाएंगे, क्लैरिटी को बढ़ा देंगे, पूरा अच्छा दिखाई दे रहा है, क्लैरिटी फुल, ब्राइटनेस कम कर देंगे। जाएंगे डिटेल्स, डिटेल्स में जाने के बाद नॉइस रिडक्शन, कितना अच्छा दिखाई दे रहा हमारा फोटो, थोड़ा यूनिटी को चेक करते हैं। देख सकते हैं ये फोटो हमारा एडिट हो चुका है, तो आपको समझ आ गया स्टेप बाय स्टेप। तो मैं इस फोटो को अब सेव कर लेता हूँ, शेयर, एक्सपोर्ट एंड टिक। आई होप आप लोगों को फोटो की एडिटिंग अच्छी लगी होगी, तो प्लीज मेरे चैनल 3 फोटोग्राफी एडिटिंग को सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे और लाइक कर दे। मेरी इंस्टाग्राम आईडी नीचे, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर ले। आज के लिए बस इतना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।